एक भूखे अजगर ने एक सीआर को अपना निवाला बना लिया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वहीं करोड़ों की कीमत वाले एक दो मुहे सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। देवास के ग्राम बगना में पिछले 2-3 दिनों से ग्रामीणों को अजगर दिख रहा था। इसके बाद अजगर ने गांव के नाले में एक सीआर का शिकार किया, तो ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। वन विभाग की टीम जब अजगर को पकड़ने गई, तब अजगर भाग गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम बगना में बीते दिनों भी एक जानवर का शिकार अजगर ने किया था। वहीं जब खेत पर काम कर रहे ग्रामीणों ने अजगर को देखा, तो इसकी सूचना गांव के चौकीदार को दी। करीब 3 घंटे तक अजगर नाले में सियार का शिकार करता रहा और वहां से चला गया। अजगर को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। क्या पूरा मामला है? हाँ, ग्राम बगाना में जो हमारे बिजली मंडी के पास स्थित है, वहाँ पर कुछ कृषकों द्वारा गांव के पास नाले के किनारे एक अजगर देखा गया, जो एक सियार को उन्होंने शिकार किया था। तो उन्होंने उस अजगर को देखने के बाद में कुछ देर इंतज़ार किया और फिर हमारे रेंजर साहब को सूचित किया कि साहब, अजगर ने सियार का शिकार कर लिया है। नॉर्मली वाइल्ड लाइफ आपस में एक दूसरे का शिकार करके जो जिसका भोजन होता है उस प्रकार का वो कार्य करते रहते हैं, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि साहब, वो तो अब वो सियार छोड़ दिया है और चला गया जंगल की तरफ, मौके पर वो दिख नहीं रहा है। तो इसके बाद हमारे यहाँ के रेस्क्यू दल है, उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई है और रेस्क्यू दल जा करके उसको सर्च करेगा। यदि किसी भी प्रकार का गांव की तरफ आने की उसकी संभावना होगी या वो दिखाई देगा तो उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। वहीं देवास के नेहरू नगर में स्थानीय लोगों द्वारा 2 मुहा सांप को पकड़ा गया और वन विभाग को सूचना दी गई। रहवासियों ने बताया कि यह चकलौन प्रजाति का सांप है, जो कि 2 मुंह का होता है। इसकी कीमत काफी अधिक मानी जाती है। इसके दोनों ओर मुंह होते हैं। उप वन मंडल अधिकारी संतोष शुक्ला ने बताया कि रहवासियों ने जानकारी दी थी कि चकलौन सांप एक घर में घुस रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप को सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया गया। बता दें कि इस सांप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत है। अपने घर के सामने एकदम दिख गया था जहाँ से सांप, और इसको बोलते चकलौन बोलते हैं और बहुत से भी लोग इसकी मतलब तस्करी भी करते हैं, इसलिए इसको अपन ने फॉरेस्ट में फ़ोन करके इसको इसकी जान सुरक्षित करने के लिए इसको देवास के नेहरू नगर स्थित क्षेत्र में एक ग्रामीण द्वारा उसको देखा गया और उनको ये शंका थी, चूँकि वो कई बार ये घटनाएं देख चुके हैं देवास में, पुलिस वालों ने चकलौन पकड़ी, ऐसी सूचना उनके पास थी। तो उनको ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं हो कि ये जानवर किसी दूसरे के हाथ में लग के इसका मिसयूज़ हो जाए या कोई इसको अन्यथा पकड़ के ले जाए। तो उन्होंने वन विभाग को सूचना दी, जिसकी सूचना पर वन विभाग द्वारा हमारे डिप्टी साहब और उनकी टीम मौके पर गई। मौके पर जा करके उन्होंने चकलौन को वहाँ से रेस्क्यू किया और इसके बाद उस चकलौन को ले जा करके हमारे वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।